कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी सी थकावट सी लग रही है, पता नहीं क्यों। तबीयत अंदर से ठीक जैसा नहीं लग रहा है। और मैं आई थी कब? तो मैं आई थी कल, मैं ट्यूसडे को अपने ससुराल से। तो आज जो है वो वेंसडे है और डेट जो है वो शायद 12 है। मतलब कंफ्यूज कर जाती हूँ कभी कभी, मतलब तो भूल जाती हूँ, माइंड से स्लिप कर जाता है। तो खैर कोई नहीं। और जो है मैं और आने का जो वीडियो है ना, मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, काम का लोड जो होता है ज़्यादा हो जाता है। और मतलब कभी ये कर लो काम, कभी वो कर लो काम, कभी कुछ कुछ बढ़ जाता है काम, जिसकी वजह से जो है नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है और कोई रीज़न नहीं है। और मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। मैं सोची आप लोगों के साथ आज ढेर सारे बात करूँ, तो आज करूँगी मैं आप लोगों से बात। तो अभी जा रही, मैं मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मैं जा रही हूँ पानी वगैरह पी लूँ और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाऊँ। उसके बाद थोड़ा सा फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? तो चलिए ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए आई थी, क्योंकि आज बेडशीट चेंज करना है, तो सिद्धि भी यहाँ पे पहुँच गई है या यहीं पे बैठ के खेलेगी इस, क्योंकि मम्मा जहाँ रहेगी वहीं ये रहना चाहती है। तो यहाँ पे क्या किया है अपने, बास्केट में कटोरी चम्मच वगैरह सब लेके आके और खेलना शुरू कर दिए। और यहाँ पे मतलब जहाँ जो काम करो वहाँ पे तो वो रहे ना, ना रहे तो वो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह लगा दिया धुला हुआ, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हो गया, तो वो तो मैं वो मशीन में डाल दूँगी, मतलब धुल जाएंगे। और उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में भुजिया बनाने के लिए, क्योंकि मम्मी जो है मतलब सहजन आलू की सब्ज़ी बनाएगी, तो मैं बोली लाओ मैं बना देती हूँ जब तक भुजिया हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहा है अब आलू और परवल की, मतलब आलू और परवल का भुजिया। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक यूज़ करूँगी, कोई मसाले वगैरह नहीं, क्योंकि भुजिया में तो कोई मसाला डालते भी नहीं है। ऐसे मन हो तो आप डाल सकते हैं धनिया पाउडर वगैरह। तो यहाँ पे मेरा भुजिया भी हो जाएगा। और उसके बाद जो है मम्मी जो है सहजन आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही है, तो मैं थोड़ा सा इसका भी वीडियो बना ली। तो ये सब्जी और सरसों और लहसुन का जो मसाला होता है वो डाल के बनाएगी। और उसके बाद जो है जो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किए थे वो सारे मैंने डाल दिए। और उसके बाद ये भी धुल जाएंगे, जब तक काम भी हमारा सब कुछ हो जाएगा और जब तक ये भी हो जाएगा। और क्योंकि अभी तो मौसम काफ़ी धूप हो रहा है, तो कपड़ा मतलब तुरंत सूख भी जाता है, डालो और तुरंत थोड़ी देर के बाद देखो तो सूख जाता है। और यहाँ पे देखो सिद्धि क्या कर रही है, टब में जितने सारे मतलब इसके पैंट वगैरह और कपड़े वगैरह जो थे वो सब ला के खेल रही है। मतलब कुछ भी मिलना चाहिए इसे खेलने के लिए, बच्चों का तो है ही ना, वो तो कुछ भी कपड़े हो या बर्तन हो वो सब उसी सब से खेलना पसंद करते हैं। और ख़ासकर ये तो और भी ज़्यादा, कितने सारे भी टॉयज हो जाएँ उससे वो नहीं खेलेगी। और उसके बाद जो है मम्मी गई है नहाने, तो मैं रोटियां बना ले रही हूँ जब तक। तो यहाँ पे सिद्धि को भी मम्मी ने तैयार कर दिया, वो भी नहा धो के रेडी हो गई, और मैं फटाफट से रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो सिद्धि बहुत परेशान कर रही थी, दरवाज़ा बंद करके करो तो भी परेशान कर ही रहती है, सोने का इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो इस क्योंकि वीडियो बना तो बहुत पहले ली थी लेकिन अपलोड नहीं की थी इसी वजह से। तो मैं जब एडिटिंग करने जाती हूँ तो ये भी मतलब दरवाज़ा एकदम नॉक करने लगती है। तो यहाँ पे नहा धो के मेरा पूजा भी हो गया, और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह भी सब कुछ कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ पे चाय पी ले रही हूँ। और ये देखो सीधी बल्ले बल्ले कर रही है। और यहाँ पे आप इनको जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में नहीं, हमारे करवा चौथ वाले वीडियो में ये दिल्ली में गई थी हमारे मतलब बीना दीदी। तो आप पहचान रहे होंगे इनको, क्योंकि मेरे एक वीडियो में है ये। तो हेलो फ्रेंड्स,
तो अभी आई हूँ मैं नाश्ता वगैरह सब कुछ करके, चाय वगैरह भी लेके, क्योंकि पता नहीं सुबह से ही मुझे ना हेडेक हो रहा है, मतलब सर में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन रह रहा है। तो मैं अभी जस्ट चाय पी के आई हूँ। तो मैं सोची थी आप लोगों से, मैं आप लोग को बताई भी थी कि मैं आज थोड़ा आप लोगों से कुछ बात वगैरह भी करूँगी। तो चलिए, पता है मेरे पुराने वाले वीडियोस में, मतलब अभी नहीं, काफ़ी दिन पहले का एक वीडियो है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा वीडियो है। तो वो दिल्ली वाला एक वीडियो है जिसमें मुझे ना एक कमेंट आया था कि 2 4 दिन पहले आया था कि दीदी आप इतने दिन से वीडियो बना रही हो तो आपके मतलब उस तरीके से ना सब्सक्राइबर अभी गेन नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं रह रही है दीदी, इसलिए शायद नहीं हो रहा है या फिर कोई और रीज़न है, तो प्लीज़ मुझे बताना। तो मैंने तुम्हें कमेंट करके लिख दिया है, सेंड भी कर दिया। तो मैं सोची थोड़ा ऐसे आपस में भी, थोड़ा एक दो और भी आया था इस तरीके का, तो मैं सोची मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं की हूँ, लेकिन इसलिए मैं रिप्लाई नहीं की, मैं सोची डायरेक्ट आप लोगों से बात ही कर लूँगी, तो इसी वजह से मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं बता दूँ कि मेरा वीडियो जो है, मैं पिछले ईयर जनवरी से स्टार्ट की हूँ वीडियो बनाना, यानी ब्लॉगिंग करना, अपना यूट्यूब पे अपना चैनल खोली थी 2022 में 18 जनवरी को मैंने पहला एक वीडियो डाला था, जो कि मेरा तब था माय फर्स्ट ब्लॉग। उसके बाद जो है मैंने हफ्ते दिन 10 दिन के बाद से वीडियो बनाना, मैंने प्रॉपर एक ब्लॉग बनाना मैं शुरू कर दी थी और अपलोड करना शुरू कर दी थी। पता है पहले क्या था, मुझे ना नॉलेज की कमी थी, मतलब नॉलेज क्या कमी क्या कहोगे, मतलब ये चीज़ पता नहीं था कि सब्सक्राइबर जो है शॉर्ट्स वीडियो में ज़्यादा आते हैं, यानी जल्दी सब्सक्राइबर गेन करना है आपको तो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करो, आपको सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आपके चैनल जल्दी सब्सक्राइबर आएंगे, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता था। मैंने मतलब जुलाई के लास्ट से मुझे ना, मेरा भी मन हुआ कि, और ऐसा कोई भी वीडियो मैंने नहीं देखा था, मतलब मैं नहीं देखी थी जिसमें मुझे ये पता होता कि मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाने से सब्सक्राइबर जल्दी गेन होते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता था। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में आया कि मैं भी एक शॉर्ट्स बना के मतलब अपलोड करती हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ ना कि मैं धीरे 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 मतलब शॉर्ट्स भी बनाने लगी, और लॉन्ग वीडियोस तो मेरा कंटिन्यूटी में था ही, तो दोनों बराबर से चलने लगा। तो कुछ दिन के बाद मुझे मैं मनोज डे का हो या और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं देखती थी, कुछ टेक्निकल चैनल जो हैं जिनका, योगी योगेंद्र हैं उनका चैनल, और भी बहुत सारे टेक्निकल चैनल हैं, जिससे मुझे ये पता चला कि सब्सक्राइबर अगर जल्दी गेन करना है तो आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे जब पता चला तो मैंने थोड़ा इस पर भी फोकस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरा सब्सक्राइबर गेन होना शुरू हो गया, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से मैं, और पहले क्या था मुझे ये पता नहीं था, इसी वजह से मैं कोई भी शॉर्ट्स वीडियो नहीं बनाती थी। बाकी स्टार्टिंग में जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं वो मेरा खुद का है, और खुद का मेरा जो लॉन्ग वीडियो मैं बनाई हूँ उसके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बाकी मैं जो शॉर्ट्स वीडियो जो बनाना शुरू की हूँ वो जुलाई से शुरू की हूँ, जुलाई लास्ट वीक से। तो और अभी जो भी नए चैनल जो भी सब मतलब बना रहे हैं, जो भी नया चैनल इस ईयर खोले हैं, तो उनको पहले से भी शायद पता हो, या अब तो खैर शॉर्ट्स वीडियो में भी मोनेटाइजेशन एनेबल हो गया है, यानी आपको 1,000 सब्सक्राइबर, 1,000, 1,000 सब्सक्राइबर और ये 10 मिलियन आपका वॉच टाइम होना ज़रूरी है, तब आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, ये है। और एक क्राइटेरिया है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपका 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट्स वीडियो में जो भी सारे मोनेटाइजेशन के लेकर नया मतलब नोटिफिकेशन आया है, वो आपको आया है नवम्बर लास्ट से आया है, मतलब नवम्बर दिसंबर ऐसे ही कुछ मंथ से शुरू हुआ है। तो जो भी सारे अभी नए यूट्यूबर हैं उनको ये सब चीज़ पता है, इस वजह से उनके सब्सक्राइबर क्या हैं, जल्दी गेन हो रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसलिए सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ता है। और मेरा रीज़न ये था, और मेरे मुझे नॉलेज की कमी के वजह से, और ये भी कह लो, और ये भी कहो कि मैं अपने छोटे बच्चे के साथ, उसके बाद फैमिली को लेकर सब कुछ
करने के बाद जो है मैं अपने ब्लॉग को बनाती थी, अपने सारे काम भी करती थी, उसके बाद बच्चे का भी केयर करना, ब्लॉगिंग भी करना, एडिटिंग भी करना, और भी जो और घर के भी बहुत सारे काम जो होते थे वो सब कुछ अकेले खुद करती थी, उसके बाद अपने भी अपने लिए भी टाइम निकालती थी। ये बहुत बड़ी बात है मेरी नज़र में, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कैसे हैंडल करती थी ये मैं ही जानती हूँ। तो यही रीज़न है जिसके वजह से, और आप लोग का गुड विशेस रहा और आप लोग का सपोर्ट रहा, तो और भी आगे तक जाएंगे हम, और अब हमारा भी मेहनत ज़रूर रहेगा और आप लोग का भी। हमारा मेहनत कितना भी रहे, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे जाऊँगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। यही थोड़ा बहुत जो बातें थी वो मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ना दो पुराने और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसपे मुझे कमेंट अब आ रहे हैं, तो सोचिए मैं क्या कमेंट जिनको करना था मैंने, मतलब जिनको क्या मतलब जो मुझे लगा मैंने कमेंट कर दिया, फिर मैं सोची कि कितना को कमेंट करो, मैं आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, एक प्रॉपर वीडियो ही बना लेती हूँ जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि रीज़न क्या था। रीज़न कुछ भी नहीं था, और मेरा मुझे जैसा ही टाइम मिलता है तो मैं अपना ब्लॉगिंग पे ध्यान देती हूँ, अपना वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ, और जैसे ही मुझे फुर्सत में होती मैं फुर्सत में होती हूँ, मैं वीडियो को एडिट भी कर लेती हूँ और अपलोड भी कर देती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एडिट कर लिया फिर अपलोड बाद में करूँगी, ऐसा नहीं। अगर एडिटिंग हो गया है तो मैं अपलोड चाहती हूँ जल्द से जल्द कर दूँ। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहती थी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं जा रही हूँ, बाबू का जो फ्रॉक है ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाबू का ये फ्रॉक जो है ना, इसमें क्या किया है बाबू ने, सीधे ने ये सारा जो फ्लावर्स वगैरह जो लगे रहते हैं ना फ्रॉक में वो सब निकल चुका है। वो नोच लेती है, मतलब खींच के निकाल देती है, दांत से हो हाथ से हो जैसे हो उसे जैसे लगता है वैसे निकाल देती है। तो मैं ये सारा जो ना क्रीम लेके आई हूँ मार्केट से, और ये सारा इसमें पैच कर दूँगी तो ये अच्छा लगने लगेगा फिर देखने में, और फ्रॉक बहुत ही अच्छा है अभी भी। और तो मैं सोची ये भी अभी कर ही लेती हूँ, ताकि बहुत दिन से रखा हुआ था क्रीम ला के मैं, मतलब 15-20 दिन पहले ही ले, मतलब ससुराल जाने से पहले ही ला के रख दी थी, फिर ये ले के ले गई थी, तो मैं जाती हूँ इसे अभी कर ही लेती हूँ। तो सिद्धि का फ्रॉक भी मैंने पैच कर दिया है, अब वह काफ़ी अच्छा लगने लगा देखने में, क्योंकि वो सारा नोच नाच के बराबर करके रखती थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे शाम हो गया था, तो मैं यहाँ पे सांझ लगा दे रही हूँ, दिए जला ले। तो आप लोगों से जब मैं बात कर रही थी तो मैं एक चीज़ बताना आप लोग को भूल गई थी, वो ये कि आपका जो शॉर्ट जो भी लोग शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं वो 90 डेज़ में आपको 1,000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका चैनल जो है मोनेटाइज होगा। तो यही सब कुछ बातें थी, तो चलिए वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं। आई होप सो हमारा ये वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोस और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियोस न्यू ब्लॉग्स आपको डेली बाय डेली मिलते रहे। तब तक के लिए टाटा।